59 रन। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से नए मुकाबले में। जी हाँ दोस्तों, जिम्बाब्वे बनाम आयरलैंड, जी हाँ डिसाइडर मुकाबला होने वाला है। जी हाँ, आज का मुकाबला है जो डिसाइडर मुकाबला यहाँ पर होने वाला है। तो बने रहिए आप हमारे साथ, जुड़ जाइए जल्दी से जल्दी। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही आप सभी सपोर्ट करते रहेगा। थर्ड T20I मुकाबला यहाँ पर कुछ ही समय में शुरू होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर समय आप देख पा रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, आप समय देख पा रहे होंगे। तो उससे पहले कुछ मैच की जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको बता देते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैच की जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पर बता देते हैं किस हिसाब से मुकाबला आगे बढ़ने वाला है। 40 मिनट का समय रह गया है शेष। जी हाँ दोस्तों, 40 मिनट का समय शेष रह गया है मात्र। अब यहाँ पर आपसे बात करते हैं तो सबसे पहले प्री मैच पिच रिपोर्ट की बात करते हैं। जी हाँ दोस्तों, प्री मैच पिच रिपोर्ट की बात करते हैं तो द सरफेस एट हरारी स्पोर्ट्स क्लब हरारी इज़ फुल फॉर बैटर्स। बैटर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा और स्पिनर्स के लिए यहाँ पर ट्रैक ज़्यादा मदद करेगी पेसर्स से। हाँ, साइड्स बैटिंग फर्स्ट है मैनेज टू विन 23, जो पहले बल्लेबाजी करती है वो 39 मैचेज पर यहाँ इस वेन्यू पर 39 T20 मैचेज खेले गए हैं अभी तक। उसमें से 23 मुकाबले हैं जो पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम जीती है। जी हाँ दोस्तों, तो अब मुकाबले की कुछ शुरू कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, दो मुकाबले हो चुके हैं जिनमें यहाँ पर थर्ड T20 आज खेला जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तीसरा T20 है जो आज खेला जाएगा हरारे स्पोर्ट्स क्लब जिम्बाब्वे से। जी हाँ दोस्तों, हरारे स्पोर्ट्स क्लब हरारे से ये मुकाबला खेला जाएगा। तो बता दें आपको, यहाँ पर 4:30 बजे मुकाबला है जो शुरू हो जाएगा। फैन कोर्ट के ऊपर आप लाइव स्ट्रीम इंजॉय कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, अब सबसे पहले बात करें अगर स्क्वेड की। जी हाँ दोस्तों, स्क्वेड की बात करें तो यहाँ पर आयरलैंड की बात करें तो आयरलैंड में 4 बल्लेबाज है। जी हाँ दोस्तों, 4 बल्लेबाज है आयरलैंड की टीम में। यहाँ पर सी इरवाइन, सी मेड, टी मरुमानी और टी कमो खुनकना, जो भी नाम है भाई, नाम आते नहीं इनके। और बॉलिंग में मुम्बा, मुजरबानी, नगारावे और छत्रा यहाँ पर ये रहेंगे। और किधर गई? और ऑलराउंडर की बात करें, जी हाँ दोस्तों, तो ऑलराउंडर में काफ़ी ज़्यादा है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर 9 ऑलराउंडर है, बेनेट, बुरी, वेस्ले, जोंगवे, सिकंदर रजा मिलेंगे, मऊता मिलेंगे, मदावेरे मिलेंगे, मोयंगा मिलेंगे और एस विलियम्स यहाँ पर मिलेंगे। और वहीं बात करें आयरलैंड की टीम की, जी हाँ दोस्तों, आयरलैंड की टीम की बात करें तो ऑलराउंडर में पॉल स्ट्रिंग, एम आदिर, सी कैम्फर, जी डेलनी और जी डोकरेल मिलेंगे। और वहीं गेंदबाजी के अंदर, जी हाँ दोस्तों, लिटिल, जी हुमे, बी मेकार्थी, टी वेन वोरेक और सी यिंग यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और वहीं बात करते हैं बल्लेबाजी की, जी हाँ दोस्तों, तो आर आदिर, बलबीन एंड रोक, टेक्टर और एल टक्कर, जी हाँ दोस्तों, ये सारे प्लेयर आपको यहाँ पर खेलते हुए दिखाई देंगे। अब पिछले कुछ मुकाबलों की बात करते हैं। जी हाँ दोस्तों, पिछला जो पांच मैचों की बात करें, जी हाँ दोस्तों, तो पिछले पांच में से चार मुकाबले जीत रखे हैं और पिछला ही मुकाबला हारी थी। जी हाँ दोस्तों, टीम है जो पिछला ही मुकाबला हारी थी उससे पहले मुकाबले चार मुकाबले जीत कर आई जिम्बाब्वे की टीम, और वहीं आयरलैंड की टीम है जो चार मुकाबले हार कर आई है इससे पहले वाले, और पिछला मुकाबला वहाँ पर जीता था। जी हाँ दोस्तों, अब हेड टू हेड की बात करें, जी हाँ दोस्तों, अगर हेड टू हेड की बात करें तो जिम्बाब्वे और आयरलैंड का 5-5 से बराबर है। जी हाँ दोस्तों, हेड टू हेड में जिम्बाब्वे और आयरलैंड का यहाँ पर 5-5 से बराबर है दोनों ही। अब इस सीरीज़ के दोनों कर लेते हैं। पिछला सेकंड T20 मुकाबला था वहाँ पर
रन 165 रन बनाए थे 20 ओवर में, जिम्बाब्वे ने वहीं चेज करते हुए 166 रन बना लिए थे। और फर्स्ट टी20 में यहां पर आयरलैंड ने 147 बनाए थे, वहां पर अंतिम गेंद पर 148 रन बनाए चेज करते हुए। जी हां दोस्तों, और ये 15 जनवरी को खेला गया था जहां पर जिम्बाब्वे ने ही जीता था। सीरीज की बात करें इस सीरीज की, जी हाँ दोस्तों, तो सीरीज अभी तक बराबर चल रही है। जी हाँ दोस्तों, सीरीज है जो अभी भी बराबर चल रही है, जिसमें आप देख सकते हो सीरीज के अंदर एक मैच जिम्बाब्वे ने और एक मैच यहां पर जीता है आयरलैंड ने। जी हाँ, दो मैचों की श्रृंखला हुई है जिसमें से दोनों ने एक एक मुकाबला यहाँ पर जीत रखा है। जी हाँ दोस्तों, बता दें आपको, एक एक मुकाबला दोनों ही टीमों ने यहाँ पर जीत रखा है। तो थोड़ी ही समय की बात है। जी हाँ दोस्तों, थोड़ी ही समय की बात है, यहाँ पर शुरू हो जाएगा मुकाबला। जी हाँ दोस्तों, मुकाबला जैसे ही शुरू होता है तो आप सभी जुड़ जाएगा हमारे साथ और हम आपके लिए ऐसे ही मुकाबला लाते रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही मुकाबला हम आपके लिए लाते रहेंगे। अब बात करते हैं ओवरऑल टीम कंपैरिजन की। जी हाँ दोस्तों, ओवरऑल टीम कंपैरिजन की बात करें तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, जी हाँ दोस्तों, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि 10 मुकाबले में से 50% मुकाबले जिम्बाब्वे जीतती है ओवरऑल। जी अगर 10 मुकाबले खेलती है तो 5 जीतने के रिकॉर्ड है पिछले 10 मुकाबलों में, और वहीं आयरलैंड ने अपने पिछले 10 मुकाबलों में 6 मुकाबले जीते हैं। एवरेज स्कोर की बात करें तो लगभग दोनों ही टीमों का बराबर सा एवरेज स्कोर है, 146 यहाँ पर एवरेज स्कोर है जिम्बाब्वे का, और वहीं 152 एवरेज स्कोर आयरलैंड का। हाइस्ट स्कोर की बात करें तो हाइस्ट स्कोर में भी ज़्यादा फ़र्क नहीं है, 217 यहां पर जिम्बाब्वे का है, और वहीं 226 है जो आयरलैंड का है। जी हां, लोवेस्ट स्कोर की बात करें, लोवेस्ट स्कोर में 93 लोवेस्ट स्कोर है और 80 लोवेस्ट स्कोर है आयरलैंड का। तो यहां पर इस में थोड़ी सी बाजी मार रही है आयरलैंड की टीम। जी हाँ, मुकाबले की बात करते हैं तो हरारे स्पोर्ट्स क्लब हरारे जिम्बाब्वे से मुकाबला है जो खेला जाएगा। 34.4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहेगा, 29% ह्यूमिडिटी है और 1% बारिश होने का चांस है। जी हाँ दोस्तों, 1% यहाँ पर बारिश होने का चांस है। पेस वर्सेज स्पिन की बात करें वेन्यू के ऊपर पिछले 10 मुकाबलों से, जी हाँ दोस्तों, तो 65 विकेट वहाँ पर चटकाए हैं पेसर्स ने और 63 विकेट चटकाए हैं 49% कह सकते हैं, 63 विकेट चटकाए स्पिनर्स ने। तो कह सकते हैं दोनों को ही लगभग यहां पर बराबर फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आएगा। जी हाँ, रिसेंट मैचेज की बात करें तो रिसेंट मैचेज में जैसा कि मैंने बता ही दिया था, वेन्यू के ऊपर एक एक से बराबर चल रही है। और यहां पर एम्पायर की बात करें तो क्रिस्टोफर फिरी और लैंगटन रूस से रहेंगे मेन एम्पायर, थर्ड एम्पायर आइकनो चाबी और एंडी पाइक्रॉफ्ट यहाँ पर मेन एम्पायर के रूप में आपको दिखाई देंगे। जी हाँ दोस्तों, तो ये थी कुछ मैच की डिटेल्स। जी हाँ, ये थी कुछ मैच की डिटेल्स। और अब इसके बाद अगर बात करें, जी हाँ दोस्तों, अब इसके बाद अगर बात करें हम कुछ और डिटेल्स की, जी हाँ, जैसे कि फैंटेसी टिप्स की बात करते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो फैंटेसी में किस हिसाब से यहाँ पर रहने वाला है, जी हाँ, किन किन प्लेयर पर नज़र रहेगी और किन किन कौन से प्लेयर को आप अपनी टीम में लेना चाहेंगे। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले नज़र रहेगी सिकंदर रजा। जी हाँ, सिकंदर रजा पे सबसे पहले नज़र रहेगी। सिकंदर रजा है जो 65 मैचों में, माफ़ कीजिएगा, पिछले 3 मुकाबलों की बात करें तो आप देख लीजिए, 42 गेंदों में 65 रन बनाए थे आयरलैंड के खिलाफ, 48 गेंदों में 82 रन बनाए थे केन्या के खिलाफ, और वहीं 37 गेंदों में 65 रन बनाए थे नाइजीरिया के खिलाफ। और बॉलिंग की बात करें तो सबसे बेस्ट ऐसे कह सकते हैं कैप्टन ऑप्शन रहने वाला है, जी हाँ, कप्तान का ऑप्शन रहने वाला है। बल्लेबाजी में भी आयरलैंड के खिलाफ 3 विकेट चटकाए 28 रन देकर, और वहीं 21 रन देकर 2 विकेट चटकाए केन्या के खिलाफ, और 13 रन देकर 2 विकेट चटकाए नाइजीरिया के खिलाफ। उसके बाद एक और ऑलराउंडर की बात करते हैं जिम्बाब्वे के, सीन विलियम्स। जी हाँ, सीन विलियम्स की बात करते हैं तो सीन विलियम्स भी यहाँ पर काफ़ी अच्छा खासा प्रदर्शन करते हुए नज़र आए हैं। जी हाँ, 9 गेंदों में 17 रन, 4 गेंदों में 4 रन और 26 गेंदों में 60 रन पिछले 3 मुकाबलों की कहानी है। और गेंदबाजी की बात करें तो इकोनॉमिकल रहे और विकेट भी मिल जाते हैं कभी कभार। जी हाँ, केन्या के खिलाफ स्पेशली 1 रन देकर 2 विकेट चटकाए थे, तो ये भी एक खोटा सिक्का काम आने वाला सा कह सकते हैं, ऐसा रहने वाला है। अब बात करते हैं जिम्बाब्वे के, कौन जीतेगा आज भाई? भाई टक्कर का मुकाबला होने वाला है, दोनों तरफ वाला खाइए राहुल भाई, दोनों तरफ ओट्स बोले, दोनों तरफ लगा कर बैठ जाइए अपने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
रिचार्ड नगरावे की बात करें, जी हाँ बॉलर्स है, बॉलर है रिचार्ड नगरावे, 33/2 आयरलैंड के खिलाफ, 23 रन देकर 2 विकेट और 14 रन देकर 2 विकेट आयरलैंड और केन्या के खिलाफ। तो ये भी विकेट टेकिंग यहाँ पर ऑप्शन होते हैं। मार्क आदिर की बात करें, आयरलैंड के गेंदबाज है, पिछले तीनों मुकाबले जो खेले हैं, 2 मुकाबले आयरलैंड के खिलाफ और 1 इंडिया के खिलाफ, तो वहाँ पर विकेट चटकाए हैं। जी हाँ दोस्तों, वहाँ पर भी विकेट चटकाए हैं। चांसेस की बात करें किसके जीतने की है, तो आप यहां पर देख सकते हो, जी हां 62%, देखो ये बोल देता हूं, 62% चांसेज है यहां पर, 62% चांसेज है यहां पर आयरलैंड के, और वहीं 38% चांसेज है जिम्बाब्वे की। तो यहां पर चांसेस के हिसाब से बात करें तो थोड़ा सा आयरलैंड का पलड़ा भारी होता हुआ नज़र आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, आयरलैंड का पलड़ा यहाँ पर थोड़ा सा भारी होता हुआ नज़र आ रहा है। और आपको क्या लगता है कौन सी टीम यहाँ पर मुकाबला जीती हुई नज़र आएगी? जी हाँ दोस्तों, कौन सी टीम है जो यहाँ पर मुकाबला जीतती हुई नज़र आएगी, कमेंट ज़रूर कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही आप सभी सपोर्ट करते रहिएगा, क्योंकि मुकाबला है काफ़ी अच्छा मुकाबला यहाँ पर होता हुआ नज़र आएगा। जी हाँ दोस्तों, हमें काफ़ी अच्छा मुकाबला है जो यहाँ पर होता हुआ नज़र आएगा। कितने बजे भाई? 4:30 बजे, अब से कुछ ही समय के अंदर टॉस भी हो जाएगा। जैसे ही टॉस होता है तो आपको टॉस का अपडेट भी दे दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, फिलहाल अभी तक टॉस हुआ नहीं है। और आज भी सिकंदर रजा है जो आज भी नहीं खेल पाएंगे, क्योंकि उन पे 2 मैच का बैन लग गया था। जी हाँ दोस्तों, 2 मैच का बैन लग गया था, तो आज सिकंदर रजा नहीं खेलेंगे। जी हाँ दोस्तों, सिकंदर रजा है जो बता दे आपको नहीं खेलेंगे। आपको सिकंदर रजा यहाँ पर खेलते हुए नहीं दिखाई देंगे, तो सिकंदर रजा को टीम से हटा दीजिएगा। रिचर्ड निरगवा, मार्क आदिर की बात हो गई, उसके बाद बात करते हैं एंड्रयू बालब्रिन की। जी हाँ दोस्तों, एंड्रयू बालब्रिन की यहाँ पर बात करते हैं, तो ये भी एक बढ़िया प्लेयर है। जी हाँ दोस्तों, जिम्बाब्वे के दूसरे मुकाबले में तो नहीं, हालांकि पहले मुकाबले में 25 गेंदों में अच्छे खासे रन यहाँ पर बनाते हुए नज़र आए थे। जी हाँ दोस्तों, 35 गेंदों में अच्छे खासे रन यहाँ पर बनाते हुए नज़र आए थे। ये आप पिछले 3 मुकाबलों का रिकॉर्ड देख सकते हैं, अच्छे बल्लेबाज जाने जाते हैं। उसके बाद बात करें, बल्लेबाज है तीना से कनुमाका, जिन्होंने आयरलैंड के खिलाफ 27 गेंदों में 39, 32 में 32 और 32 में 36 रन बनाए हैं। उसके बाद अगर बात करते हैं एक और प्लेयर की, जिसमें टेंडई छत्रा, जी हाँ दोस्तों, टेंडई छत्रा यहाँ पर है, युगांडा के खिलाफ कोई सफलता नहीं मिली, महंगे साबित हुए, उससे हार का भी सामना करना पड़ा, लेकिन उससे पहले विकेट दिया। आज क्या टीम में जगह मिल पाती है या नहीं, थोड़ी ही देर में पता चल जाएगा, जैसे ही टॉस होगा। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के साथ यहाँ पर साझा कर दिया जाएगा। उसके बाद बात करते हैं बेरन मेकार्टी, जी हाँ विकेट टेकर बल गेंदबाज है। जी हाँ दोस्तों, जिम्बाब्वे के खिलाफ 2 विकेट लिए 37 रन देकर, पिछले जिम्बाब्वे से पहले इंडिया के खिलाफ खेले थे जहाँ पर 36 रन देकर 2 विकेट और 14 रन देकर कोई विकेट नहीं मिला। अब विकेट कीपर के तौर पर बात करें तो नील रोक, जी हाँ नील रोक सबसे बढ़िया ऑप्शन होने वाला है आज के दिन विकेट कीपर के रूप में। जी हाँ, क्योंकि 36 गेंदों में 47 रन, अब आज खिलाते हैं या नहीं ये जरूर देखना होगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर खिलाते हैं उनको है या नहीं ये जरूर देखना होगा। और उसके बाद अगर बात करें क्रेग इरवाइन की, वो भी काफ़ी बढ़िया बल्लेबाज है, लेकिन अभी दोनों मुकाबले नहीं खेले थे पिछले। कर्टिस कैम्बेल की बात करें तो ऑलराउंडर है, रन भी अच्छे आते हैं, आप पिछले 3 मुकाबलों में रन भी देख सकते हैं। जी हाँ, टॉस यहाँ पर हो चुका है, किसने जीता है ये मैं बता देता हूँ,
जी हाँ, यहाँ पर टॉस हो चुका है, किसने जीता है अभी कोई अपडेट आया नहीं है, आने वाला है कुछ ही समय में अपडेट। जी हाँ, तो बने रहिए आप। जी हाँ, आयरलैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्ले गेंदबाजी करने का फैसला लिया है। जी हाँ, चेज करेगी आयरलैंड की टीम। जी हाँ, आयरलैंड की टीम यहाँ पर चेज करती हुई नज़र आएगी, तो देखते हैं क्या कमाल करती हुई नज़र आएगी या नहीं। तो आज सीन विलियम्स भी शायद खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, ये भी नज़र आएगा। काफ़ी कुछ चेंज होने वाला है, तो थोड़ी ही देर में पता चल जाएगा। टेंडी चतारा की होगी, ब्रेन मेकार्टी हो गए, नील रोक हो गई, क्रेग इरवाइन हो गए, उसके बाद ग्रेथ डिलानी का रिकॉर्ड देख लीजिए। जी हाँ, ये चीज़ है टोटल। और अब यहाँ पर आप देखोगे तो ये हो गई है, आयरलैंड वॉन द टॉस एंड चूज टू बॉल फर्स्ट। जी हाँ दोस्तों, आयरलैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया है। तो आप यहाँ पर सबसे पहले ऊपर वाली न्यूज़ पढ़ोगे। जी हाँ दोस्तों, अब तो नहीं जीतेगा जिम्बाब्वे, फिर रजा नहीं है। तो भाई रजा नहीं है, और हो सकता है सीन विलियम्स भी नहीं हो जो कप्तान है, कल उन्होंने थ्रो किया था बॉलर एंड पे, तो हो सकता है उनके चोट लगी है, तो अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही प्लेइंग इलेवन आती है, सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर प्लेइंग इलेवन ला दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आपकी स्क्रीन के ऊपर प्लेइंग इलेवन ला दी जाएगी। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि अब मात्र 25 मिनट का समय बचा है। जी हाँ दोस्तों, 25 मिनट का समय बचा है। पिच रिपोर्ट वगैरह सब आ चुकी है, आपको बता दिया गया है पिच रिपोर्ट का, और भी आती है प्री पिच रिपोर्ट भी आती है, तो वो भी आपको एक बार और दिखा देते हैं। जी हाँ दोस्तों, प्री पिच रिपोर्ट ये देखिए। आपको यहाँ पर पिच रिपोर्ट में पेस्ट भी कर देता हूँ। जी हाँ, ये मैच रिपोर्ट पिच रिपोर्ट है। जी हाँ, यहाँ पर आप देख पाओगे, ये यहाँ पर पिच रिपोर्ट आ चुकी है, प्री मैच पिच रिपोर्ट जो पिच से पहले की है। तो यहाँ पर देखता है ज़्यादा मुकाबले बल्ले बल्लेबाजी करने वाली टीम जीती है, क्या यहाँ पर आज बल्लेबाजी करने वाली टीम मुकाबला जीत पाएगी या नहीं, ये ज़रूर देखना होगा। थोड़ी ही देर में प्लेइंग इलेवन आ जाएगी। जी हाँ दोस्तों, थोड़ी ही देर में प्लेइंग इलेवन आ जाएगी, तो प्लेइंग इलेवन भी यहाँ पर बता दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, पिच रिपोर्ट यहाँ पर आ चुकी है, टॉस यहाँ पर हो चुका है। अब कुछ ही समय के अंदर यहाँ पर प्लेइंग इलेवन जैसे ही आती है, तो आपको प्लेइंग इलेवन के बारे में भी बता दिया जाएगा। अब देखो इसमें, देखो सिकंदर रजा रिसीव्ड ए 2 मैच बैन फॉलोइंग हिज अल्टरकेशन विथ जोस लिटिल एंड कर्टिस कैम्फर इन फर्स्ट T20। कॉन्सिक्वेंटली ही इज अनेबल टू पार्टिसिपेट इन सेकेंड T20 एंड विल नॉट ऑल्सो मिस ये भी करेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये वाला मिस भी करेंगे सीरीज डिसाइडर। अब रजा हेल्प्ड द साइड विथ सीरीज इनोग्रल मैच ऑफ द सीरीज विथ इज स्केल्टलिंग परफॉर्मेंस विथ बैट एंड बॉल दोनों के अंदर ही है। और यहाँ पर अपडेट देखो, ये है, ये मेन अपडेट है, आपको दिखा देता हूँ अपडेट, जो मेन अपडेट है। जी हाँ, यहाँ पर ये देखिए, सीन विलियम्स लेफ्ट द फील्ड येस्टरडे ड्यूरिंग द लेटर हाफ ऑफ द सेकेंड इनिंग फॉलोइंग एन अटेम्प्ट टू थ्रो एट द बॉलर्स एंड ही अपीयर टू बी इन पेन होल्डिंग हिज लेफ्ट शोल्डर। रियान बल सर्वड एज द स्टैंड इन कैप्टन विलियम्स एब्सेंस एंड इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी विलियम्स पार्टिसिपेट्स इन द सीरीज डिसाइडर। क्या यहाँ पर आज सीन विलियम्स खेलते हुए नज़र आएंगे या नहीं, ये भी देखना होगा। जी हाँ दोस्तों, ये भी देखना होगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा समय बच गया है। जी हाँ दोस्तों, कुछ ही समय बचा है यहाँ पर मुकाबला शुरू होने में, तो आप सभी जुड़ जाइए हमारे साथ जल्दी से जल्दी, और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और ऐसे ही सपोर्ट बनाए। टॉस कौन जीता है भाई? राहुल शर्मा भाई, आयरलैंड ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला लिया है। जी हाँ दोस्तों, आयरलैंड ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला लिया है। काफ़ी शानदार मुकाबला होने वाला है, क्योंकि सीरीज डिसाइडर मुकाबला है, रोमांच बराबर बना रहेगा। जी हाँ दोस्तों, रोमांच है जो बराबर बना रहेगा।
और जिम्बाब्वे बनाम आयरलैंड का मुकाबला है जो कुछ ही समय में यहाँ पर शुरू होता हुआ नज़र आएगा। जी हाँ दोस्तों, कुछ ही समय में यहाँ पर शुरू होता हुआ नज़र आएगा। तो यहाँ पर टॉस हो चुका है, प्लेइंग इलेवन देखते हैं आ गई है या नहीं। अभी तक प्लेइंग इलेवन नहीं आई है। जी हाँ दोस्तों, इन्फो में भी देख लेते हैं। जी हाँ, प्लेइंग इलेवन अभी तक कोई कुछ भी यहाँ पर प्लेइंग इलेवन का नामो निशान नहीं है। जी हाँ दोस्तों, प्लेइंग इलेवन का जो बता दें आपको, यहाँ पर नामो निशान नज़र नहीं आ रहा है। जैसे ही आती है प्लेइंग इलेवन आपको बता दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही प्लेइंग इलेवन आती है आपको बता दिया जाएगा। और टॉप फैंटेसी पिक्स की बात करें तो हमारे पास जो हमने बताए थे टॉप फैंटेसी पिक्स, उनके डेटा के साथ वो भी आपको बता दिए गए हैं। तो उम्मीद करते हैं जल्दी से जल्दी प्लेइंग इलेवन अपडेट होगी, अदरवाइज़ हम देख कर बता देते हैं कहाँ पर प्लेइंग इलेवन आई हुई है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर कहीं पर प्लेइंग इलेवन आई हुई है तो आपको बता देते हैं। जी हाँ, प्लेइंग इलेवन आ चुकी है, प्लेइंग इलेवन भी आपकी स्क्रीन पे ला देते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्या यहाँ पर विलियम्स, जी हाँ विलियम्स नहीं खेलते हुए नज़र आ रहे, लेकिन 10 प्लेयर क्यों अनाउंस किए इन्होंने यहाँ पर। 10 प्लेयर आपको थोड़ी ही देर में आपकी स्क्रीन पर प्लेइंग इलेवन मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, जी आ गई है, यहाँ पर नहीं खिलाया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, वहाँ पर एस विलियम्स भी, यहाँ पर सीन विलियम्स है, वो भी आज मिस करते हुए नज़र आएंगे। जी हाँ दोस्तों, वो भी यहाँ पर मिस करते हुए नज़र आएंगे। जी हाँ, ये रही प्लेइंग इलेवन। जी हाँ, ये रही प्लेइंग इलेवन, और भी थोड़े सही तरीके से आपके लिए ला देंगे जैसे ही प्लेइंग इलेवन आती है। जी हाँ दोस्तों, और प्लेइंग इलेवन में जो भी प्लेयर्स आएंगे उनका हम आज वन बाई वन रिकॉर्ड चेक करते हुए नज़र आएंगे। जी हाँ दोस्तों, वन बाई वन रिकॉर्ड चेक करते हुए नज़र आएंगे। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिएगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही आप सभी सपोर्ट बनाए रखिएगा। प्लेइंग इलेवन आपके लिए स्क्रीन पर ला दी गई है, और क्या लगता है दोस्तों, कौन सी टीम है जो यहाँ पर मुकाबला जीतती हुई नज़र आएगी। जी हाँ दोस्तों, कौन सी टीम यहाँ पर मुकाबला है जो जीतती हुई नज़र आएगी। एक शानदार मुकाबला होने वाला है, सीरीज डिसाइडर है, एक एक से सीरीज बराबर है। आज जो मुकाबला जीतेगा वो मानिए सीरीज जीत जाएगा। जी हाँ दोस्तों, सीरीज जीत जाएगा। जी हाँ, तो उम्मीद करते हैं थोड़ी ही देर के बाद यहाँ पर मुकाबला है जो शुरू होता हुआ नज़र आएगा। यहाँ पर मात्र 17 मिनट का समय बच गया है। जी हाँ दोस्तों, 17 मिनट का समय यहाँ पर बच चुका है, 17 मिनट के अंदर अंदर मुकाबला है जो शुरू हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 17 मिनट के अंदर अंदर यहाँ पर मुकाबला है जिम्बाब्वे बनाम आयरलैंड T20I सीरीज 2023 है, जहां पर एक एक मुकाबले से अभी दोनों टीमें बराबर है। जी हाँ दोस्तों, जी हाँ, 15 मिनट से भी कम का समय रह गया है बाकी
बता दें आपको 15 मिनट से भी कम का समय यहाँ पर बाकी रह गया है और मुकाबला भी है जो कुछ ही यहाँ पर शुरू हो जाएगा जल्दी ही। जी हाँ, जल्दी ही यहाँ पर शुरू हो जाएगा। तो कुछ ही समय में यहाँ पर मुकाबला है जो शुरू होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, बाकी आपको लाइव मुकाबला देखना है तो फैन कोड के ऊपर आप लाइव मुकाबला देख सकते हो। जी हाँ दोस्तों, फैन कोड एप्लीकेशन के ऊपर लाइव मुकाबला आप देख सकते हो, जिम्बाब्वे बनाम आयरलैंड। जी हाँ, द सीरीज डिसाइडर। जी हाँ, यहाँ पर ये लीजिए, प्लेइंग 11 आ गई है दोनों ही टीमों की और यहाँ पर थोड़ा इसमें साफ दिखाई देगा आपको। थोड़ा सा मैं भी स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ इसका, वो स्क्रीनशॉट बेहतर रहेगा। जी हाँ दोस्तों, जी हाँ, पिच रिपोर्ट और प्लेइंग 11 दोनों ही आपकी स्क्रीन पे लगा दी गई है। जी हाँ दोस्तों, पिच रिपोर्ट की वैसे अब जरूरत नहीं है, पिच रिपोर्ट को हटा देते हैं और ये आपके लिए लगा देते हैं। जी हाँ, ये रही प्लेइंग 11। जी हाँ, ये रही प्लेइंग 11 जिम्बाब्वे बनाम आयरलैंड की। जी हाँ दोस्तों, और फर्स्ट ओडीआई है वो 13 दिसंबर को है, सेकंड ओडीआई 15 को और थर्ड ओडीआई 17 दिसंबर को आपको नज़र आएगा। जी हाँ दोस्तों, तो इस हिसाब से मुकाबले चलते हुए नज़र आएंगे। और अब कुछ ही समय में यहाँ पर और फैंटेसी है, क्रिकेट एक्सचेंज फैंटेसी, तो वो भी आपके लिए आ जाती है। टॉप टीम किस हिसाब से टॉप टीम बनती हुई नज़र आएगी, तो आप ज़रूर नज़र डालिएगा। और अगर आप कुछ करना चाहते हो फैंटेसी में तो इन प्लेयर पे पिक्स पे ज़रूर नज़र डालिएगा। और यहाँ पर थोड़ा सा और हम देख लेते हैं कि कौन कौन से आज बढ़िया प्लेयर, हैरी टेक्टर है, उनकी फॉर्म काफ़ी रही है, क्लीव मेंडेले है काफ़ी बढ़िया गेंदबाज, रिचर्ड नरगावे इम्प्रेसिव रहे हैं, विकेट भी मिले हैं और इकोनॉमी भी काफ़ी अच्छी रही है। हॉट पिक्स की बात करें तो मार्क आदिर और रियान बल को ज़रूर लीजिए। रिस्क की पिक्स में कर्टिस कैम्पर और ब्लेसिंग मुजरबानी को आप ले सकते हो। और वहीं बात करें जी हाँ फैंटेसी पॉइंट्स की, जी हाँ सीरीज़ के अंदर तो मार्क आदिर 156 दो मैचों के अंदर 156 पॉइंट के साथ यहाँ पर सबसे ऊपर है। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद जिम्बाब्वे के रिचर्ड नगरोवा 142 के साथ, ब्लेसिंग मुजरबानी है 107 पॉइंट के साथ, हैरी टेक्टर 107 और कर्टिस कैम्पर 101 पॉइंट के साथ। मोस्ट रन्स की बात करें तो हैरी टेक्टर ने सबसे ज़्यादा बनाए हैं, उसके बाद क्लाइव मेंडले ने बनाए हैं, उसके बाद रियान बल, उसके बाद कर्लिस कैम्पल और उसके बाद यहां पर आपको नज़र आएंगे एंड्रयू बालबेर्नी 40 रन दो इनिंग के अंदर। मोस्ट विकेट्स की बात करें तो यहाँ पर रिचर्ड नारगवा ने 4 विकेट लिए हैं, मार्क आदि ने 4, ब्लेसिंग मुजरबानी ने 3, क्रेग यंग ने 3, जोसा लिटिल ने 2। जी हाँ, और अब बात करते हैं सबसे ज़्यादा छक्के किसने लगाए हैं अभी तक। जी हाँ, छक्कों का उतना मैटर नहीं करेगा, बट हाईएस्ट स्कोर इंडिविजुअल स्कोर 48 बनाए हैरी ट्रैक्टर ने, क्लीव मंडाले ने 44, खुनखुन 39, रियान बल ने 38 और कर्टिस कैम्पर ने 37 रन। और बेस्ट फिगर्स की बात करें गेंदबाजी में, गेंदबाजी में जिम्बाब्वे के पाँचों के पाँचों बॉलर जिम्बाब्वे के, जिनमें आज सीन विलियम्स खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। रिचर्ड नारगवा 23 रन देकर 2 विकेट, मुजरबानी 24 रन देकर 2 विकेट, रिचर्ड नारगवा फिर से 33 रन देकर 2 विकेट। तो यहाँ पर एक कह सकते हैं कि शानदार मैच होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, शानदार मैच होने वाला, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। टीम एनालिसिस की बात करते हैं। जी हाँ दोस्तों, दोनों टीमों का क्या स्ट्रॉन्ग है क्या नहीं। यहाँ पर जिम्बाब्वे की ओपनिंग की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वही आयरलैंड की ओपनिंग उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है नहीं। जी हाँ दोस्तों, आयरलैंड की ओपनिंग उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है नहीं जितनी जिम्बाब्वे की है। मिडिल ऑर्डर की बात करें तो मिडिल ऑर्डर में भी थोड़ा सा हावी नज़र आ रहा है जिम्बाब्वे की टीम, लेकिन बैटिंग डेप्थ के अंदर आयरलैंड की टीम बाजी दे रही है। पेस बॉलिंग दोनों की सेम है, लेकिन स्पिन बॉलिंग में भी फिर से जिम्बाब्वे की टीम एक बार आगे नज़र आ रही है। जी हाँ दोस्तों, तो ये है आज के कुछ मैच की डिटेल्स। अब मैच में रह गया है मात्र 10 मिनट का समय, 10 मिनट के अंदर मुकाबला शुरू हो जाएगा, तो आप सभी बने रहिए हमारे साथ। कुछ ही समय में मैच होने वाला है, प्लेइंग 11 आपकी स्क्रीन के ऊपर है। जी हाँ दोस्तों, प्लेइंग 11 आपकी स्क्रीन के ऊपर है।
तो जी हाँ दोस्तों, थोड़े ही समय में यहाँ पर मुकाबला शुरू होने वाला है। 10 मिनट का समय शेष रहा है। जी हाँ दोस्तों, लगभग 10 मिनट का समय यहाँ पर बचा है। 10 मिनट के अंदर अंदर मुकाबला शुरू हो जाएगा। रेडी रहिए एकदम।
जी हाँ, तो यहाँ पर मुकाबला कुछ ही समय में शुरू होता हुआ नजर आएगा। 4:25 का समय हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, 4:25 का समय यहाँ पर हो चुका है और आने वाले कुछ ही समय के अंदर यहाँ पर मुकाबला है जो आपको चलता हुआ नजर आएगा। जी हाँ दोस्तों, आने वाले कुछ ही समय में मुकाबला है जो यहाँ पर आपको चलते हुए नजर आएगा। डिसाइडर मुकाबला है। जी हाँ दोस्तों, डिसाइडर मुकाबला है यहाँ पर। अब यहाँ पर बात करें जिस हिसाब से पिच रिपोर्ट की, एक बार और देख लेते हैं। इट्स अनदर हॉट डे। जी हाँ दोस्तों, ये एक बार फिर से गर्म दिन है। द पिच इज ए न्यू वन एंड ए फ्रेश वन। देर आर फ्यू क्रेक्स इन एंड सम ग्रासी एरियाज। द ग्रास कैन कम एंड सम पेस कैन कम ऑफ द बॉल। द पिच इज हार्ड एंड इट्स ट्रिकी वन। वॉट टू डू एट द टॉस। द कैप्टन विनिंग द टॉस शुड बैट फर्स्ट, बट इट्स अप टू द कैप्टन एज टू वॉट ही वॉन्ट्स टू डू। जी हाँ दोस्तों, यही थी पिच रिपोर्ट आज की। और क्रिकेट इन फैंटेसी की बात करें तो विकेट कीपर के तौर पर आप लॉर्कन टकर पे नज़र डाल सकते हो। बैटर्स के लिए पॉल स्टर्लिंग, एंड्रू बालबरनी, हैरी ट्रैक्टर और तीना से कमुक मुआवी। जी हाँ, ऑलराउंडर्स में रियान बर्ल, कटिस कैंपर, वेस्ली मदावरे। बॉलर्स में रिचर्ड नगरावे, ब्लेसिंग मुजरबानी और जोशवा लिटिल। कैप्टन हैरी ट्रैक्टर और वाइस कैप्टन वेस्ली मधवीरा। जी हाँ दोस्तों, वेस्ली मधवीरा, इन पे ज़रूर नज़र बनी रहेगी। जी हाँ दोस्तों, इन पे ज़रूर नज़र बनी रहेगी। तो यहाँ पर कुछ ही समय में मुकाबला शुरू होने वाला है। 3 मिनट का समय शेष रहा है। जी हाँ दोस्तों, 3 मिनट का समय यहाँ पर शेष रहा है। तो कुछ ही समय में मुकाबला है जो शुरू होता हुआ नज़र आएगा। जी हाँ दोस्तों, कुछ ही समय में यहाँ पर मुकाबला है जो शुरू होता हुआ नज़र आएगा। तो आप सभी बने रहिए हमारे साथ। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिएगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही आप सभी सपोर्ट बनाए रखिएगा। और कुछ ही समय में प्लेयर्स यहाँ पर मैदान में एंटर करते हुए नज़र आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, मैदान में प्लेयर्स है जो एंटर करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर प्लेयर्स है जो सेटल हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, प्लेयर्स है जो यहाँ पर सेटल हो चुके हैं। कुछ ही समय के अंदर मुकाबला है जो यहाँ पर शुरू होता हुआ नज़र आएगा। जी हाँ दोस्तों, मुकाबला है जो यहाँ पर शुरू होता हुआ नज़र आएगा। तो आप सभी बने रहिए हमारे साथ। प्लेइंग इलेवन दोनों टीमों की आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, प्लेइंग इलेवन दोनों टीमों की यहाँ पर आ चुकी। और कुछ ही समय के अंदर यहाँ पर शुरू होने वाला है मुकाबला। जी हाँ दोस्तों, कुछ ही समय के अंदर यहाँ पर मुकाबला है जो शुरू होने वाला है। तो बने रहिए आप हमारे साथ। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिएगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही आप सभी सपोर्ट बनाए रखिएगा और मुकाबले का आनंद लेते रहिएगा। जी हाँ दोस्तों, और यहाँ पर प्लेयर्स है जो मैदान के अंदर एंटर करते हुए नज़र आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, मैदान के अंदर यहाँ पर प्लेयर्स है जो एंटर करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आप सभी जुट जाइए हमारे साथ। पहली बॉल के लिए रेडी है यहाँ पर मार्क आदिर। जी हाँ दोस्तों, मार्क आदिर यहाँ पर पहली गेंद के लिए रेडी नज़र आ रहे हैं। तो मुकाबला होता है यहाँ पर शुरू। जी हाँ दोस्तों, फास्ट बॉलर तेज गेंदबाज मार्क आदिर और बल्लेबाजी में देखते हैं कौन से प्लेयर आए हैं। जी हाँ दोस्तों, बल्लेबाजी के अंदर
पहली गेंद, जी हाँ पहली गेंद ओवर द विकेट लेकर आते हुए हल्का सा जाने दिया गेंद को, कोई हरकत नहीं की वहां पर। डॉट बॉल के साथ ओवर की शुरुआती मधावरे और कुमो खुनावे यहां पर आए हैं खेलने। जी हाँ दोस्तों, मधावरे और कुमो कुमारे यहां पर खेलने आए हैं। बढ़िया, यहां पर बल्लेबाजी होती हुई नजर आएगी। जी हाँ दोस्तों, एक शानदार बल्लेबाजी यहां पर होती हुई नजर आएगी। मधावरे पहली गेंद खाता नहीं खोल पाए, शानदार गेंद थी, बैक ऑफ द गुड लेंथ डिलीवरी वहां पर। कोशिश जरूर की थी कि कुछ रन बटोर जाए। अगली गेंद यहां पर बैक फुट पे जाके डिफेंस किया, कोई रन नहीं। एक और डॉट बॉल आती हुई, लगातार दो गेंदे डॉट आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, यहां पर लगातार दो गेंदे डॉट आ चुकी है। अगली तीसरी गेंद, तीसरी गेंद पर देखना होगा क्या यहाँ पर कमाल कर पाते हैं या नहीं। जी हाँ दोस्तों, क्या कमाल यहाँ पर कर पाते हैं या नहीं, ये जरूर देखना होगा। तो अगली गेंद ओवर की तीसरी गेंद, जी हाँ दोस्तों, ओवर द विकेट यहाँ पर एम्पायर को क्रॉस किया। फुल लेंथ की गेंद, इस बार स्ट्रेट ड्राइव, तीर की तरह सीधा, कोई मौका नहीं, चौका मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, भाई ऑनलाइन लाइव कहाँ देखे, अबे सालवी भाई लाइव आप देख सकते हो फैन कोड के ऊपर। जी हाँ, फैन कोड में आप लाइव मुकाबला देख सकते हो। और तीसरी गेंद पर यहाँ पर टीम का खाता खुलता हुआ चौके के साथ। जी हाँ, चौके के साथ तीसरी गेंद पर यहाँ पर टीम का खाता खुलता हुआ बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पर गेंदबाजी करते हुए नजर आए। जी हाँ दोस्तों, बेहतरीन तरीके से यहाँ पर गेंदबाजी करते हुए नजर आए हैं। जी हाँ दोस्तों, और उम्मीद करते हैं इसी तरह से यहाँ पर गेंदबाजी होती रहे। जी हाँ दोस्तों, इसी तरह से गेंदबाजी यहाँ पर होती रहे। अगली गेंद एक बार फिर से, इस बार फील्डर पा लेंगे। जी हाँ, चौथी गेंद पर सिंगल आया, थोड़ा सा डाउन द ग्राउंड शॉट खेलना चाह रहे थे, लेकिन यहाँ पर थर्ड मैन की दिशा में गेंद गई और डीप थर्ड मैन, थोड़े से स्क्वायरर फील्डर खड़े थे सीमा रेखा के बाहर, एक रन आ जाएगा। कमो खुआ में, जी हाँ दोस्तों, कमो खुआ में यहाँ पर सामना करते हुए नजर आएंगे। जी हाँ दोस्तों, कमो खुआ में अब यहाँ पर सामना करते हुए नजर आएंगे। देखना होगा कमो कुमाए किस हिसाब से करते हुए नजर आते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगली गेंद, जी हाँ, हल्का सा डिफेंस करके सिंगल के लिए दौड़ दिया, फाइन लेग स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद को धकेला और वहां पर सिंगल के लिए आसानी से दौड़ पड़े। जी हाँ दोस्तों, आसानी से दौड़ पड़े। इसी के साथ रनों में बढ़ोतरी मिलती हुई, जी हाँ दोस्तों, रनों में बढ़ोतरी मिलती हुई बढ़िया मुकाबला यहाँ पर चलता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, एक शानदार मुकाबला यहाँ पर चलता हुआ नजर आ रहा है। तो उम्मीद करते हैं इसी तरह से मुकाबला। अगली गेंद यहाँ पर अपर कट मारने की कोशिश और डॉट बॉल के साथ ओवर की समाप्ति। जी हाँ दोस्तों, डॉट बॉल के साथ यहाँ पर ओवर की समाप्ति कर दी है। तो कह सकते हैं एक अच्छा मुकाबला यहाँ पर चलता हुआ नजर, पहले ओवर का यहाँ पर 6 रन आ चुके हैं पहले ओवर से। जी हाँ दोस्तों, पहले ओवर से 6 रन यहां पर आ चुके हैं। तो ओवरऑल कह सकते हैं कि एक अच्छा मुकाबला यहां पर शुरू होता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, एक अच्छा मुकाबला यहां पर शुरू होता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ, एक ओवर के बाद खेल समाप्त हो चुका है एक ओवर का, और यहां पर पहला झटका लगता हुआ एलबीडब्ल्यू के रूप में, जी हाँ एलबीडब्ल्यू के रूप में पहला झटका यहाँ पर लगता हुआ। जी हाँ, एक बार चेक जरूर कर रहे हैं यहाँ पर, रिव्यू लिया है यानी नो बॉल चेक कर रहे हैं, देखना होगा यहाँ पर। जी हाँ, ऐसा लग रहा है जोशुआ लिटिल आए और बाहर किया। जी हाँ दोस्तों, आते ही बाहर भेजा, दूसरी गेंद सामना कर रहे थे और वहां पर पवेलियन जाना होगा। जी हाँ दोस्तों, अब पवेलियन जाना होगा और इसी के साथ पहला विकेट, जी
जी हाँ, जिम्बाब्वे को पहला झटका लगता हुआ और ऐसा लग रहा है जिम्बाब्वे की टीम यहाँ पर सीरीज डिसाइडर है उसमें थोड़ा सा पिछड़ती हुई नज़र आएगी। जी हाँ दोस्तों, सीरीज डिसाइडर है उसमें थोड़ा सा यहाँ पर पिछड़ती हुई नज़र ज़रूर आने वाली है, इस हिसाब से खेल रही है। बढ़िया मुकाबला यहाँ पर चलता हुआ, जी हाँ दोस्तों, दोनों ही टीमों के बीच में एक अच्छा मुकाबला यहाँ पर चलता हुआ नज़र आ रहा है। जिम्बाब्वे 1.1 ओवर के बाद में 6-1 विकेट के नुकसान पर। नए बल्लेबाज आए हैं बेनेट, जी हाँ, बी बेनेट, ब्रायन बेनेट यहाँ पर आए हैं। देखना होगा ब्रायन बेनेट किस हिसाब से यहाँ पर खेलते हुए नज़र आते हैं। जी हाँ दोस्तों, ब्रायन बेनेट यहाँ पर किस हिसाब से खेलते हुए नज़र आते हैं। अगली गेंद, जी हाँ दोस्तों, अगली गेंद यहाँ पर लेग साइड की तरफ, अपील ज़रूर की है लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। यहाँ पर अपील तो ज़रूर की लेकिन वहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं, मिसिंग लेग थी, उसी के चलते एम्पायर ने ज़्यादा कुछ इंटरेस्ट यहाँ पर दिखाया नहीं। जी हाँ, यहाँ पर ज़्यादा कुछ इंटरेस्ट वहाँ पर दिखाया नहीं और उसी के चलते वाइड बॉल, माफ़ कीजिएगा, एक और डॉट बॉल मिलती हुई। एक पॉइंट दो ओवर का खेल, लगातार यहाँ पर डॉट बॉल्स पे डॉट बॉल डालते हुए। ओवर की अगली गेंद यहाँ पर फिर से फुल लेंथ की गेंद, जोशुआ लिटिल को खेलना आसान नहीं है। जी हाँ दोस्तों, जोशुआ लिटिल को खेलना यहाँ पर आसान काम नहीं है, उसी की चलते अगली गेंद इस बार उठाकर खेला है मिड विकेट के क्षेत्र में, लेकिन वहां पर फील्डर तैनात, 2 रन आसानी से मिल जाएंगे फिर भी। जी हाँ, 2 रन यहां पर फिर भी आसानी से मिल गए। इन्हीं 2 रनों के साथ खाता खोला यहां पर बेनेट ने, 3 गेंदें ले ली खाता खोलने के लिए। अगर यहां पर कुछ जीतना है अगर, तो आयरलैंड की टीम को, माफ़ कीजिएगा, जिम्बाब्वे की टीम को पावर प्ले के अंदर काफ़ी रन बटोरने होंगे। जी हाँ, कम से कम 50+ रन यहाँ पर बनाने होंगे तभी जाकर आयरलैंड की टीम यहाँ पर मुकाबले के अंदर बन सकती है। जी हाँ दोस्तों, ओवर की अगली गेंद, जिम्बाब्वे सामना करेंगे यहाँ पर इस बार कवर्स के क्षेत्र में लगाने की कोशिश, शानदार फील्डर, कोई मौका नहीं। जी हाँ, डॉट बॉल आती हुई, जी हाँ, एक और डॉट बॉल यहाँ पर आती हुई। इसी के साथ बढ़िया मुकाबला यहाँ पर चल रहा है फिलहाल। जी हाँ, फिलहाल काफ़ी शानदार मुकाबला यहाँ पर चलता हुआ नज़र आ रहा है। कोई मौका नहीं है किसी के, कोई मौका नहीं दे रही है आयरलैंड के गेंदबाज। ओवर की अगली गेंद, जोशुआ लिटिल ओवर द विकेट आते हुए लेफ्ट आर्म पे सर पुल कर दिया यहाँ पर लोंगो मिड ऑन के फील्डर के ऊपर से 4 रनों के लिए जाती हुई। जी हाँ, रोकने का मौका ही नहीं है, काफ़ी बढ़िया, थोड़ा सा बैक फुट पे जाके पुल किया गेंद को और सीधा लॉन्ग ऑन मिड ऑन के फील्डर के ऊपर से एक चौका निकाला और इस ओवर में 6 रन फिर से आ गए हैं। पिछले ओवर के भांति इस ओवर में भी 6 रन आ गए हैं, तो जिम्बाब्वे का स्कोर हो चुका है 2 ओवर की समाप्ति के बाद 12-1 विकेट के नुकसान पर। तो क्या लगता है दोस्तों, कौन सी टीम यहां पर जीतती हुई नज़र आएगी? जी हां दोस्तों, कमेंट ज़रूर कर दीजिए आप, कौन सी टीम यहां पर आपको जीतती हुई नज़र आ रही है। मुकाबला है जो काफ़ी शानदार होने वाला है। जी हां दोस्तों, मुकाबला है जो यहां पर काफ़ी शानदार होने वाला है, इसमें कोई दोराही की बात नहीं है। अगली गेंद, जी हाँ दोस्तों, अगली गेंद यहाँ पर फिर से उठाकर मारने की कोशिश ज़रूर की थी लेकिन सिंगल ही आया। जी हाँ दोस्तों, 1 रन से ही यहाँ पर संतुष्ट होना पड़ेगा। इसी 1 रन के साथ स्कोर में एक बार फिर से इजाफा और वहाँ पर पुल करने की, जी हाँ, यहाँ पर अपर कट मारने की कोशिश, बाउंसर मारा लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, गेंद गई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में, कोई मौका नहीं यहाँ पर बल्लेबाज के पास रन बटोरने का। 2.2 ओवर के बाद में 13-1 विकेट के नुकसान पर। जी हाँ, 2.2 ओवर के बाद में 13-1 विकेट के नुकसान पर।
अगली गेंद, इस गेंद पर देखना होगा क्या कमाल करेंगे। जी हाँ, यहाँ पर ओवर द विकेट आते हुए आदिर और हल्का सा कट किया वहाँ पर, शॉर्ट कवर के फील्डर के पास गई लेकिन मिस फील्ड हुई। एक रन यहाँ पर आसानी से मिल गया। मिस फील्ड होते ही, हालांकि पहले ही बल्ले के लगते ही रन दौड़ना शुरू कर दिया था, जब तक वहाँ पर मिस फील्ड हुई गेंद तब तक बल्लेबाज पहुंच चुके थे क्रीज के अंदर। जी हाँ दोस्तों, तो एक रन और मिलता हुआ यहाँ पर, इस ओवर में 2 रन आ चुके हैं। दोनों ने 100 की स्ट्राइक रेट से यहाँ पर रन बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, दोनों ही प्लेयर 100 की स्ट्राइक रेट से यहाँ पर रन बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। दो पॉइंट चार, एक और डॉट बॉल आती हुई यहाँ पर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर कह सकते हैं कि अगर आयरलैंड को मुकाबला जीतना है तो इसी तरह की गेंदबाजी करती रहनी पड़ेगी। जी हाँ, और वहीं मुकाबला जीतना है अगर जिम्बाब्वे की टीम को तो थोड़ी सी गेंदबाजी में इम्प्रूवमेंट करना होगा। जी हाँ दोस्तों, थोड़ी सी गेंदबाजी के अंदर इम्प्रूवमेंट करना होगा। फिलहाल मुकाबला है जो काफ़ी शानदार यहाँ पर चलता हुआ नज़र आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, मुकाबला है जो काफ़ी शानदार यहाँ पर चलता हुआ नज़र आ रहा है। अगली गेंद यहाँ पर, जी हाँ लेग साइड में फ्लिक कर दिया है, क्या पीछे फील्डर है? जी हाँ फील्डर है, लेकिन यहाँ पर चौका नहीं होगा, कंफर्म 2 रन ही है। जी हाँ दोस्तों, कितना रन बनेगा भाई, 130 150 के बीच में ही यहाँ पर बनता हुआ नज़र आएगा। जिस हिसाब की गेंदबाजी यहाँ पर चलती हुई नज़र आ रही है उस हिसाब से तो इतने रन ही बनता हुआ नज़र आएंगे। जी हाँ, 150 तक मैक्सिमम पहुँच सकती है टीम, उससे ज़्यादा पहुँचने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरी चीज़ यह भी है कि आज वो भी नहीं है, अपने सिकंदर रजा भी यहाँ पर नज़र नहीं आएंगे खेलते हुए। मधेवरे और बी बेनेट यहाँ पर खेलते हुए नज़र आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, मधेवरे और बी बेनेट यहाँ पर खेलते हुए नज़र आ रहे हैं। देखना होगा किस हिसाब से मुकाबला आगे चलता हुआ नज़र आता है। 157 बाई 150 के आसपास, 150 ही बनेगा, 150 से ज़्यादा होना काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मुश्किल नज़र आ रहा है। ओवर की अगली गेंद यहाँ पर बाहर निकल कर मारने की कोशिश, बढ़िया फील्डिंग। जी हाँ, शानदार यहाँ पर जोशवा लिटिल गेंदबाजी करने आए, कवर ड्राइव मारने की कोशिश ज़रूर थी लेकिन वहाँ पर शानदार फील्ड किया। जी हाँ दोस्तों, और कोई मौका नहीं। जी हाँ दोस्तों, बढ़िया मुकाबला यहाँ पर चलता हुआ। जी हाँ दोस्तों, अभी तक मुकाबला है जो काफ़ी अच्छा यहाँ पर चलता हुआ नज़र आ रहा है। तो 3.3 ओवर का खेल हो चुका है खत्म, 18-1 है। जी हाँ दोस्तों, 3.3 ओवर का खेल यहाँ पर खत्म हो चुका है, 18-1 विकेट के नुकसान पर स्कोर है फिलहाल। अगली गेंद, इस बार गेंद हवा के अंदर है, क्या डिस्टेंस मिला है? जी हाँ, लेकिन नो मैंस लैंड में गेंद गिरी, वहां पर कोई खतरा नहीं। जी हाँ दोस्तों, कोई खतरा नहीं वहां पर।
बहुत ही शानदार शॉट में जान बहुत थी, डिस्टेंस की जगह हाइट ज़्यादा मिली, उसी के चलते पावर प्ले का समय था, अदरवाइज यहाँ पर आउट हो सकते थे। जी हाँ, 3.5 ओवर का खेल, 3.5 ओवर में 21 एक विकेट के नुकसान पर। जी हाँ दोस्तों, 21 रन एक विकेट के नुकसान पर 3.5 ओवर के बाद का स्कोर है। जी हाँ, अगली गेंद, जी हाँ यहाँ पर लेफ्ट हैंडर आते हुए उठाकर खेला गेंद को, पीछे फील्डर मौजूद डीप थर्ड मैन में, एक रन यहाँ पर आसानी से मिल जाएगा। 4 के बाद 22 एक विकेट के नुकसान पर। जी हाँ दोस्तों, 4 के बाद 22 एक विकेट के नुकसान पर।